नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 जनवरी बुधवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। सवाईमाधोपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की टीम ने कलेक्ट्रेट में पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन ओपी मीना को 40,000 और एएन मुरारीलाल मीना को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर एसीबी ने बामनवास तहसील में 2,500 रुपए की रिश्वत लेते वरिष्ठ सहायक मुकेश कुमार मीना वे दलाल मेघराज उर्फ मेगा माली को भी गिरफ्तार किया है। अहम बात यह है कि एक्सीएन की 2 साल एवं एएन की 1.25 साल की नौकरी बाकी रह गई थी। दूसरी तरफ गिरफ्तारी के तुरंत बाद इन सभी के स्थानीय आवास के साथ पैतृक निवासों की तलाशी शुरू कर दी गई है। परिवादी अशोक कुमार चौधरी ने पीडब्ल्यूडी सवाईमाधोपुर के एक्सीएन ओम प्रकाश मीना व एएन मुरारीलाल मीना के खिलाफ बिल पास करने की एवज में रिश्वत की राशि मांगे जाने की शिकायत की थी। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा पेपर लीक के 2 मास्टरमाइंडों भूपेंद्र सारण व सुरेश ढाका पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। डीजीपी राजस्थान उमेश मिश्रा ने बताया कि दोनों ही बदमाश पेपर लीक प्रकरण के मुख्य आरोपी हैं। जिसे भी इसकी जानकारी मिले वह पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके सूचना दे। सही सूचना देने वाले को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये बदमाश उदयपुर में पुलिस एक्शन के बाद से फरार चल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दर्जनों संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन ये बदमाश नहीं मिले। उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि अभियुक्त भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के विरुद्ध थाना बेकरिया पर सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के संबंध में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 और 2022 एवं आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ है। सीकर जिले में पोक्सो कोर्ट ने 8वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर रेप करने के आरोपी को 5 साल की सजा दी है। 16 साल की नाबालिग के पिता ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया था कि 3 मई 2017 की रात बेटी को पड़ोसी के साले का लड़का विक्रम राणा फुसलाकर ले गया और उनकी बेटी करीब 1,25,000 रुपए भी ले गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब किया। नाबालिग ने काउंसलिंग में बताया कि विक्रम उसे पहले सीकर, फिर जयपुर, फिर अलवर ले गया। अलवर से वापस अपने चाचा के घर जयपुर लाया। मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी विक्रम को 5 साल की कठोर कारावास और 15,000 रुपए की आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। जयपुर सीकर हाईवे स्थित टाटियावास टोल प्लाजा पर जयपुर की ओर जा रहे वाहनों का तकनीकी खामी के चलते काफी समय तक टोल नहीं कटा। इससे वाहनों की लंबी लाइन लग गई। लाइन में खड़े वाहन सवारों ने एतराज जताया। इस पर टोल कर्मियों ने कार सवार चोमो निवासी दंपति से मारपीट कर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मारपीट के आरोप में टोल कर्मी धौलपुर निवासी अनूप शर्मा को गिरफ्तार किया है। चोमो थाने के सहायक उप निरीक्षक मोहन लाल ने बताया कि बदनपुरा निवासी कन्हैया लाल कुमावत अपनी पत्नी कांता के साथ कार में सवार होकर जयपुर की ओर जा रहे थे। रास्ते में टाटियावास टोल प्लाजा पर पहुंचे तो वहां वाहनों की कतार लग गई। इसी पर कन्हैया लाल कुमावत ने टोल कर्मी को उक्त वाहन को साइड में करने और अन्य वाहनों को निकालने की बात कही। इसको लेकर टोल कर्मी कन्हैया से उलझ पड़े और मारपीट पर उतर आए। इस दौरान बीच बचाव के लिए आई उसकी पत्नी कांता को भी चोट आई। कन्हैया लाल ने टोल प्रबंधन और वहां कार्यरत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आगामी चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान अब संगठन स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। संगठन के प्रभावी विस्तार के उद्देश्य से अजमेर जिले के पुष्कर में विशेष विस्तारक अभ्यास वर्ग आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर पुष्कर पहुंचे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने अभ्यास वर्ग के पहले कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बार बार दावे करते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी, उन दावों में कोई दम नहीं। आगामी चुनावों में प्रदेश का राज और व्यवस्था दोनों बदलने जा रही है। साथ ही राजस्थान में कांग्रेस सरकार का यह अंतिम कालखंड होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हो रही गुटबाजी की चर्चा में बीजेपी को शामिल करने का कोई उचित नहीं है। सीकर जिले में शादी के बाद दो सगी बहनें 10 लाख के गहने लेकर अपने पीहर चली गई। दोनों की सगे भाइयों से शादी हुई थी। अब भाइयों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ धोखा हुआ है। दोनों लड़कियों की शादी पहले ही हो चुकी है। मामला नीमका थाना सदर इलाके का है। सीकर के खाटू श्यामजी इलाके के रहने वाले रामपाल ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका छोटा भाई भूदाराम है। दोनों की शादी सगी बहनों आशा और निर्मला के साथ 2017 में हुई थी।
दोनों ने शादी के समय लड़की वालों को 4.5 लाख रुपए दिए। 2 दिसंबर 2018 को आशा के बेटी होने के बाद दोनों पीहर चली गई। अपने साथ 10 लाख के जेवरात भी ले गई। कुछ टाइम बाद रामपाल को पता चला कि दोनों बहनों की पहले ही 10 लाख रुपए में शादी हो चुकी थी। आशा और निर्मला के घर वालों ने दूसरी शादी का कोई एग्रीमेंट भी बनवाया हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जालौर जिले के भीनमाल कस्बे के निकटवर्ती गांव से 2 दिन पहले एक महिला का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण सिंह चंपावत ने बताया कि 31 दिसंबर को महिला ने मामला दर्ज करवाया था कि वो उसके बेरे से गांव में आटा पिसाने के लिए चक्की पर जा रही थी। इस दौरान बीच रास्ते में कार चालक भारताराम ने कार रोककर उसे गांव में छोड़ने की बात कही। इसके बाद चाकू दिखाकर डरा धमकाकर उसे दूर ले जाकर गोल गांव के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन उसे बेहोशी की हालत में निम्बावास नदी के पास छोड़ दिया गया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर अनुसंधान करके आरोपी वर्णधर निवासी भरताराम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बलात्कार करना स्वीकार किया है। हरियाणा के सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा ऐ राजनीति के नेतृत्व में पंजाब हरियाणा और राजस्थान के किसान संगठनों की बैठक जाट धर्मशाला में हुई। यहां फैसला लिया गया कि 9 जनवरी को पंजाब के जीरा में पंजाब हरियाणा और राजस्थान के किसान संगठन पहुंचेंगे और सरकार को चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद फरवरी के पहले सप्ताह राजस्थान के हनुमानगढ़ में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 2 दिन किसानों की महापंचायत होगी और वहां से आंदोलन की घोषणा होगी। किसान नेता जगजीत ठल्लेवाल ने कहा कि जीरा फैक्ट्री का मुद्दा अब संयुक्त किसान मोर्चा ऐ राजनीतिक लड़ेगा। कमेटी को हर तरफ की सपोर्ट करेंगे और धक्केशाही नहीं होने देंगे। श्रीगंगानगर सदर थाना पुलिस ने देर शाम शहर से बाहर जाने वाले सुनसान सड़कों पर बाइक सवार लोगों से लूटपाट करने के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 3 आरोपियों ने इलाके में मिर्जेवाला रोड पर लूट की वारदातें अंजाम देना स्वीकार किया है। वहीं इनके साथ 2 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। ये 5 लोग लूट की वारदात को अंजाम देते थे और राहगीरों के पर्स मोबाइल आदि छीन लेते थे। पुलिस को दिसंबर के अंतिम पखवाड़े में इस संबंध में 2 शिकायतें मिली थी। इस संबंध में 16 दिसंबर को मिर्जेवाला के शौकीन खान ने दर्ज मामले में बताया कि 13 दिसंबर को वह अरशद खान के साथ मिर्जेवाला लौट रहा था। 7Z रेलवे फाटक से कुछ दूरी पर बाइक पर सवार 5 जनों ने उनकी बाइक रुकवा ली और चाबी निकालकर मारपीट शुरू कर दी। आरोपी उनसे मोबाइल पर्स और 8,000 रुपए छीन कर ले गए। इस संबंध में आरोपी चूनावड़ थाना क्षेत्र के गांव 7G छोटी निवासी जसप्रीत, गांव 23GG निवासी अर्शदीप सिंह और अजय को गिरफ्तार किया है। इनके साथ घटना में शामिल रहे 2 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। Thank you.